हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और यह वीडियो यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट सीरीज का फिफ्थ वीडियो है। और इस वीडियो में हम एग्जिस्टिंग यूजर्स को मॉडिफाई कैसे किया जाता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जिस्टिंग यूजर्स को मॉडिफाई करने के लिए यूजर मोड कमांड का यूज किया जाता है। यूजर मोड कमांड यूज टू मॉडिफाई और चेंज एनी एट्रीब्यूट ऑफ ए ऑलरेडी क्रिएटेड यूजर अकाउंट विया कमांड लाइन इन लिनक्स सिस्टम। यूजर मोड कमांड का यूज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जिस्टिंग यूजर्स को मॉडिफाई और चेंज करने के लिए, उनके एट्रीब्यूट चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। यूजर क्रिएट करने के बाद में कभी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि उन यूजर्स के कुछ एट्रीब्यूट्स को हमें चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए यूजर मोड कमांड का यूज किया जाता है। यूजर मोड कमांड की रिक्वायरमेंट्स यह है कि यूजर्स पहले से क्रिएटेड होने चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट यह है कि यूजर मोड कमांड को सिर्फ रूट यूजर या सुपर यूजर ही एग्जीक्यूट कर सकता है। नॉर्मल यूजर यूजर मोड कमांड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अगर आपको किसी यूजर्स के एट्रीब्यूट्स को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए आपको रूट यूजर या सुपर यूजर से लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल यूजर से लॉगिन हैं तो आप अपने एट्रीब्यूट्स या किसी दूसरे यूजर्स के एट्रीब्यूट्स आप चेंज नहीं कर सकते। जब हम यूजर मोड कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तब ये फॉलोइंग फाइल्स को एडिट करता है, /etc/passwd/etc/shadow file/etc/group/etc/gshadow/etc/login.tabs। इन फाइल्स में अब किस टाइप की या कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, इसका हमने अलग से वीडियो बनाया जो इस सीरीज का सबसे पहला वीडियो है। उसमें हमने ब्रीफली इन फाइल्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, फर्स्ट वीडियो इस सीरीज का, यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट सीरीज का फर्स्ट वीडियो आपको देखना है। उसमें मैंने यूजर एंड ग्रुप्स मैनेजमेंट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। इन सभी फाइल में कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उनको मैंने ब्रीफली उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। फिर भी मैं इसमें एक बार और बता देता हूं, /etc/passwd फाइल में यूजर अकाउंट की लॉगिन इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, /etc/shadow फाइल में यूजर अकाउंट का पासवर्ड स्टोर होता है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, और /etc/group फाइल में ग्रुप अकाउंट की इंफॉर्मेशन होती है, /etc/gshadow में ग्रुप अकाउंट के पासवर्ड की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, /etc/login.tabs फाइल में कंटेंट्स शैडो पासवर्ड साइट कॉन्फ़िगरेशन। यूजर मोड कमांड का बेसिक सिंटैक्स ये होता है, सबसे पहले यूजर मोड आपको टाइप करना है, उसके बाद में ऑप्शंस जो भी आप यूज करना चाहते हैं एज योर रिक्वायरमेंट, उसके बाद यूजर नेम यानी जिस यूजर का एट्रीब्यूट आपको मॉडिफाई करना है या चेंज करना है। फॉर एग्जांपल, मैं माय सॉल्यूशंस यूजर अकाउंट को लॉक करना चाहता हूं, तो उसके लिए यूजर मोड कमांड इस प्रकार होगा, यूजर मोड स्पेस -l/my_solutions। तो जैसे हम ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे यह कमांड उस यूजर अकाउंट को लॉक कर देगा। रिक्वायरमेंट हमने बता दी है कि यूजर मोड कमांड को एग्जीक्यूट करने की रिक्वायरमेंट क्या है। यह सभी ऑप्शंस यूजर मोड कमांड के साथ में यूज होते हैं, इनको हम वन बाय वन एग्जांपल लेकर के समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है टू एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू यूजर अकाउंट, यानी किसी यूजर अकाउंट को
आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो कैसे करते हैं, या फिर आपने एक यूजर अकाउंट क्रिएट किया है लेकिन उसमें कमेंट फील्ड ऐड आपने नहीं किया है। अब आप उस यूजर अकाउंट में कमेंट ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे फुल नेम, फोन नंबर, या यूजर किस लिए, किस पर्पज के लिए क्रिएट किया है, ऐसी इंफॉर्मेशन आप ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यूजर मोड कमांड के साथ में हाइफन सी ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले टर्मिनल ओपन कीजिए। सबसे पहले हम यूजर चेक कर लेते हैं इस मशीन में कितने यूजर्स हैं। तो इसमें यूजर ऑलरेडी क्रिएटेड है, राजू, संजय, अरुण, माय सॉल्यूशंस। तो मैं राजू यूजर में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूं। तो सबसे पहले राजू की डिटेल चेक कर लेते हैं। प्लस एटीसी प्लस पास्ट डब्ल्यू डी, इस कमांड का जो आउटपुट आएगा उसको हम फिल्टर कर रहे हैं ग्रेप कमांड की सहायता से। तो राजू उसका यूजर नेम है एक्स, पासवर्ड लोकेटर है 1001, इसकी यूजर आईडी है 1005, इसकी ग्रुप आईडी है, कमेंट इसमें ब्लैंक है, स्लैश होम स्लैश राजू इसकी होम डायरेक्टरी है, करंट होम डायरेक्टरी, स्लैश बिन स्लैश बैश इसकी लॉगिन डिफॉल्ट लॉगिन सेल है। अब मुझे इस यूजर अकाउंट में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करनी, जैसे मुझे इसका पूरा नाम ऐड करना है, मैं इसका पूरा नाम ऐड करना चाहता हूं, तो वो कैसे करते देख लीजिए। तो उसके लिए कमांड होगा यूजर मोड स्पेस हाइफन सी डबल यूनिट कॉमा में आप जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं वो आप टाइप कीजिए, उसके बाद में यूजर नेम आपको टाइप करना है। फिर से इस यूजर की डिटेल चेक कीजिए, लॉगिन इंफॉर्मेशन। तो देखिए यहां पर राजू श्रीवास्तव कमेंट फील्ड में ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट में, किसी यूजर अकाउंट के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं यूजर मोड कमांड की सहायता से। नेक्स्ट एग्जांपल है टू चेंज द यूजर होम डायरेक्टरी। जब भी हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नया यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तब उन यूजर्स को डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी, उन यूजर्स की डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी स्लैश होम डायरेक्टरी में क्रिएट होती है, ठीक है। तो आपने एक यूजर अकाउंट क्रिएट किया, उसको डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी स्लैश होम डायरेक्टरी में असाइन हो चुकी है। अब आप उसको डिफरेंट होम डायरेक्टरी असाइन करना चाहते हैं, यानी उसकी होम डायरेक्टरी आप चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यूजर मोड कमांड के साथ में हाइफन डी ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उस यूजर अकाउंट की इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं जिसकी हम होम डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हैं। तो इस यूजर की डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी स्लैश होम स्लैश राजू। अब हमें इसको चेंज करना, मैं इस होम डायरेक्टरी को चेंज करना चाहता हूं और इस यूजर को मैं नई होम डायरेक्टरी स्लैश एटीसी स्लैश राजू असाइन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि स्लैश एटीसी स्लैश राजू डायरेक्टरी इस यूजर के लिए एज ए होम डायरेक्टरी वर्क करें। तो इसके लिए सबसे पहले आप उस डायरेक्टरी क्रिएट कर लीजिए राजू, उसके बाद आपको कमांड एग्जीक्यूट करना है यूजर मोड हाइफन डी स्लैश एटीसी स्लैश राजू और उसके बाद यूजर नेम, जिस यूजर अकाउंट को आप यह डायरेक्टरी असाइन करना चाहते हैं या जिस यूजर अकाउंट की आप होम डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए उस यूजर अकाउंट की होम डायरेक्टरी चेंज हो चुकी है। तो देख लीजिए पहले इसकी होम डायरेक्टरी थी स्लैश होम स्लैश राजू, अब इसकी होम डायरेक्टरी स्लैश एटीसी स्लैश राजू। तो इसकी पहले होम डायरेक्टरी थी स्लैश होम स्लैश राजू, तो होम डायरेक्टरी स्लैश होम डायरेक्टरी का कंटेंट हम चेक कर लेते हैं।
ठीक है। देखिए अब यहाँ पे राजू नाम की होम डायरेक्टरी डायरेक्टरी पहले से क्रिएटेड है, और ls-l हम न्यू होम डायरेक्टरी का कंटेंट चेक कर लेते हैं। राजू, ये इसकी न्यू होम डायरेक्टरी। तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट की डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी को आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है टू चेंज द प्राइमरी ग्रुप ऑफ एनी यूजर अकाउंट। किसी यूजर अकाउंट का प्राइमरी ग्रुप कैसे चेंज करते हैं, तो इसके लिए आपको यूजर मोड कमांड के साथ में हाइफन जी ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उस यूजर का प्राइमरी ग्रुप चेक कर लेते हैं। पहले इंफॉर्मेशन, लॉगिन इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं उस यूजर अकाउंट की। तो इसका जो प्राइमरी ग्रुप है उस ग्रुप की ग्रुप आईडी है 1005। और प्राइमरी ग्रुप चेक करने के लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा आईडी स्पेस यूजर नेम राजू। तो इसका प्राइमरी ग्रुप है राजू। जब भी आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नया यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसी नेम का एक ग्रुप अकाउंट भी क्रिएट होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो उस यूजर के लिए एज ए प्राइमरी ग्रुप वर्क करता है। तो अगर आपको किसी यूजर अकाउंट का प्राइमरी ग्रुप चेंज करना है तो उसके लिए आपको यूजर मोड कमांड के साथ में हाइफन जी ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस यूजर का प्राइमरी ग्रुप चेंज करना चाहते हैं, जो ग्रुप आप उसको जो ग्रुप आप उसके लिए नया उसको असाइन करना चाहते हैं एज ए प्राइमरी ग्रुप, वो ग्रुप पहले से क्रिएटेड होना चाहिए। अगर वो ग्रुप पहले से क्रिएटेड नहीं है तो ये कमांड आपको जैसे यूजर मोड कमांड आप एग्जीक्यूट करेंगे, ये कमांड आपको एरर मैसेज शो करेगा कि ये ग्रुप पहले से एग्जिस्ट नहीं है। तो सबसे पहले वो ग्रुप क्रिएट होना चाहिए। हम सबसे पहले ग्रुप चेक कर लेते हैं। तो ग्रुप अकाउंट की इंफॉर्मेशन /etc/group फाइल में स्टोर होती है। तो हम इस फाइल का कंटेंट चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप पहले से एग्जिस्ट हैं। जैसे माई सॉल्यूशंस ग्रुप है, राजवीर है, M1 है, M2, M3, राजू, संजय, अरुण, ये सारे ग्रुप पहले से एग्जिस्ट हैं। अब मैं M1 ग्रुप को इस यूजर का प्राइमरी ग्रुप बनाना चाहता हूं। M1 ग्रुप की ग्रुप आईडी है 1002। ये ग्रुप मैं उस यूजर के लिए प्राइमरी ग्रुप बनाना चाहता हूं। तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा, उस ग्रुप की ग्रुप आईडी क्या हो चेक लीजिए पहले, 1002। तो कमांड होगा यूजर मोड, सबसे पहले यूजर मोड -g 1002। यहाँ पर आप ग्रुप का नाम भी लिख सकते हैं और ग्रुप आईडी भी लिख सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी एक वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यूजर नेम राजू, अब इसकी इंफॉर्मेशन चेक कर लीजिए। तो देखिए 1002 M1 इस यूजर का प्राइमरी ग्रुप है। पहले कौन सा ग्रुप था, राजू, जिसकी ग्रुप आईडी थी 1005। इसका न्यू प्राइमरी ग्रुप है 1002 और ग्रुप का नेम है M1। तो इस प्रकार आप यूजर मोड कमांड की सहायता से किसी यूजर अकाउंट का प्राइमरी ग्रुप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है टू ऐड ग्रुप टू एन एग्जिस्टिंग यूजर अकाउंट। किसी यूजर अकाउंट को किसी सप्लीमेंट्री ग्रुप का मेंबर कैसे बनाते हैं, या फिर किसी यूजर अकाउंट को किसी सप्लीमेंट्री ग्रुप में कैसे ऐड करते हैं। तो इसके लिए आपको यूजर मोड कमांड के साथ में हाइफन कैपिटल जी ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उस यूजर की इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। इस यूजर का प्राइमरी ग्रुप है राजू, यूजर का प्राइमरी ग्रुप है M1, और ये किस किस ग्रुप का मेंबर है वो हम चेक कर लेते हैं। तो इस ग्रुप मेंबर किसी भी यूजर अकाउंट की ग्रुप मेंबरशिप चेक करने के लिए आपको ग्रुप कमांड एग्जीक्यूट करना होता है। ग्रुप कमांड किसी यूजर अकाउंट की ग्रुप मेंबरशिप चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके लिए आपको ग्रुप कमांड यूज करना पड़ेगा। ग्रुप्स
स्पेस यूजर नेम। तो राजू यूजर अभी एक ही ग्रुप का मेंबर है M1 जो कि इसका प्राइमरी ग्रुप है, अभी ये किसी भी सप्लीमेंट्री ग्रुप का मेंबर नहीं है। हमारे पास ग्रुप अवेलेबल है M1, M2, M3, राजू, संजय, अरुण। तो मैं इस यूजर को M2 ग्रुप का M2 ग्रुप का मेंबर बनाना चाहता हूं, यानी M2 ग्रुप इस यूजर के लिए मैं एज ए सप्लीमेंट्री ग्रुप यूज करना चाहता हूं। तो उसके लिए कमांड होगा Usermod -G, उसके बाद ग्रुप नेम आपको लिखना है M2 और उसके बाद यूजर नेम राजू। अब चेक कर लीजिए, तो अभी इसका प्राइमरी ग्रुप भी वही है M1 1002 जिसकी ग्रुप आईडी है, और सप्लीमेंट्री ग्रुप है इसका M2 जिसकी ग्रुप आईडी 1003। तो ग्रुप्स कमांड एग्जीक्यूट करके देखिए यहाँ पर ये राजू यूजर किस किस ग्रुप का मेंबर है वो आपको लिस्ट बताएगा। तो ये दो ग्रुप का मेंबर है M1 M2, M1 इसका प्राइमरी ग्रुप है और M2 इसका सप्लीमेंट्री ग्रुप है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप -G ऑप्शन की सहायता से जब भी कोई नया ग्रुप किसी यूजर अकाउंट को एड कर रहे हैं या असाइन कर रहे हैं, तब यह ऑप्शन उस यूजर के जितने भी सप्लीमेंट्री ग्रुप हैं उन सभी को रिमूव कर देगा, एंड जिन सप्लीमेंट्री ग्रुप से वह यूजर अकाउंट बिलोंग्स करता है उन सभी सप्लीमेंट्री ग्रुप को वो रिमूव कर देगा। यानी ग्रुप तो रहेंगे लेकिन उस वो यूजर उन ग्रुप का मेंबर नहीं रहेगा। जैसे राजू यूजर अभी M2 सप्लीमेंट्री ग्रुप का मेंबर है, यानी M2 ग्रुप इस राजू यूजर के लिए सप्लीमेंट्री ग्रुप है। तो अब मैं इस यूजर अकाउंट का एक नया ग्रुप असाइन करना चाहता हूं M3। जैसे ही मैं ये कमांड एग्जीक्यूट करूंगा तो यह कमांड राजू यूजर अकाउंट जिन सप्लीमेंट्री ग्रुप का मेंबर है उन ग्रुप की मेंबरशिप रिमूव कर देगा। एग्जीक्यूट कीजिए और वापस ग्रुप्स कमांड चेक कर लीजिए, ग्रुप्स राजू, सॉरी हमने ग्रुप का ग्रुप कमांड यूज किया है, एग्जीक्यूट किया है, ग्रुप्स राजू। तो देख लीजिए यहां पर M2 का सप्लीमेंट्री ग्रुप था और M3, अब नया सप्लीमेंट्री ग्रुप है M3। तो यह कमांड आपको ध्यान रखकर एग्जीक्यूट करना है कि जितने भी पुरानी ग्रुप में सप्लीमेंट्री ग्रुप मेंबरशिप है वो ग्रुप मेंबरशिप यस रिमूव कर देगा। ग्रुप रिमूव नहीं करेगा, सिर्फ ग्रुप मेंबरशिप रिमूव करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए ग्रुप अभी भी अवेलेबल है लेकिन वह यूजर अकाउंट उस ग्रुप का मेंबर नहीं रहा। तो यदि आप चाहते हैं कि वह यूजर अकाउंट पुराने ग्रुप का मेंबर रहे और नए ग्रुप का भी मेंबर बन जाए तो उसके लिए आपको उस ग्रुप को अपेंड करना पड़ेगा, और अपेंड करने के लिए आपको -A ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो यदि आपको सप्लीमेंट्री ग्रुप अपेंड करना किसी यूजर अकाउंट को तो उसके लिए आपको Usermod कमांड के साथ में -A ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो कमांड इस प्रकार रहेगा राजू, ग्रुप्स राजू। Usermod -A space -G ग्रुप नेम M2 और यूजर नेम राजू। जैसे ही आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो यह कमांड M2 सप्लीमेंट्री ग्रुप को राजू यूजर अकाउंट के लिए अपेंड करेगा, यानी राजू यूजर अकाउंट ओल्ड सप्लीमेंट्री ग्रुप का मेंबर रहेगा और नए सप्लीमेंट्री ग्रुप का भी मेंबर बन जाएगा। एंटर कीजिए, ग्रुप्स कमांड एग्जीक्यूट करके देखिए। तो देखिए अब की बार इसने पुरानी ग्रुप मेंबरशिप रिमूव नहीं की है
और नई ग्रुप मेंबरशिप भी इसने क्रिएट कर दी है। तो राजू यूजर M3 ग्रुप का मेंबर है और M2 ग्रुप का भी मेंबर है। तो ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन की फाइल चेक कर लीजिए /etc ग्रुप। तो देख लीजिए राजू M2 का मेंबर है और M3 का भी मेंबर है। तो इस प्रकार आप किसी सप्लीमेंट्री ग्रुप को अपेंड कर सकते हैं किसी यूजर अकाउंट को। नेक्स्ट एग्जांपल है टू सेट यूजर अकाउंट एक्सपायरी डेट। किसी यूजर अकाउंट की एक्सपायरी डेट कैसे सेट करते हैं, यानी वह यूजर अकाउंट कब एक्सपायर हो वो डेट कैसे सेट करते हैं। तो इसके लिए आपको यूजर मोड कमांड के साथ में -e ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यूजर अकाउंट की इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। उसके लिए कमांड यूज होता है चेंज और उसके साथ में आपको -l ऑप्शन यूज करना है, उसके बाद यूजर नेम टाइप करना है। तो अकाउंट एक्सपायरी डेट अभी नहीं है, यानी नेवर यहाँ पे शो हो रहा है अकाउंट एक्सपायरी डेट में। इसका मतलब यह यूजर अकाउंट कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। अब मुझे इस यूजर अकाउंट को एक्सपायर करना है, जैसे आज डेट है 15 नवंबर 2016 एंड 15 नवंबर 2016। अब मुझे इस यूजर अकाउंट को, अब मैं चाहता हूं कि यह यूजर अकाउंट 16 नवंबर को एक्सपायर हो जाना चाहिए, 16 नवंबर 2016 को एक्सपायर हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मुझे कमांड एग्जीक्यूट करना होगा यूजर मोड -e स्पेस, डेट का फॉर्मेट रहेगा yy-mm-dd 2016 मंथ 11 डे 16, उसके बाद यूजर नेम राजू। फिर से इस यूजर अकाउंट की इंफॉर्मेशन चेक कर लीजिए। देख लीजिए अकाउंट एक्सपायरी में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है नवंबर 16 2016, यानी 16 नवंबर 2016 को यही यूजर अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट की एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं यूजर मोड कमांड की सहायता से। नेक्स्ट एग्जांपल है किसी यूजर अकाउंट का लॉगिन नेम कैसे चेंज करते हैं। किसी यूजर अकाउंट का लॉगिन नेम चेंज करने के लिए आपको यूजर मोड कमांड के साथ में -l ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले उस यूजर अकाउंट की करंट इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। इसका करंट यूजर नेम है राजू। अब मैं उसका करंट यूजर नेम चेंज करना चाहता हूं, करंट लॉगिन नेम चेंज करना चाहता हूं। तो इसके लिए मुझे कमांड एग्जीक्यूट करना होगा यूजर मोड -l न्यू लॉगिन नेम राज और ओल्ड लॉगिन नेम राजू। न्यू लॉगिन नेम में राजेश असाइन कर लेता हूं, राजेश, और ओल्ड लॉगिन नेम है राजू। देखिए कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है और इस यूजर का लॉगिन नेम चेंज हुआ या नहीं वो चेक कर लीजिए। तो देखिए पहले इसका लॉगिन नेम था राजू, अब इसका लॉगिन नेम है राजेश। तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट का लॉगिन नेम चेंज कर सकते हैं यूजर मोड कमांड की सहायता से। नेक्स्ट एग्जांपल है किसी यूजर अकाउंट को लॉक कैसे करते हैं। तो किसी यूजर अकाउंट को लॉक करने के लिए आपको यूजर मोड कमांड के साथ में -L ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उस यूजर अकाउंट की करंट डिटेल चेक कर लेते हैं। ग्रेट संजीव, ये हम दूसरा यूजर अकाउंट यूज कर रहे हैं। आप चाहे तो पुराना अकाउंट भी यूज कर सकते हैं राजेश। तो चलिए हम राजेश यूजर अकाउंट को ही यूज कर लेते हैं, उसी यूजर अकाउंट को हम लॉक कर देते हैं। तो जब भी हम यूजर मोड कमांड की सहायता से किसी यूजर अकाउंट को लॉक करते हैं तब एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जो भी हम यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं उन सभी यूजर अकाउंट का पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में /etc/shadow फाइल में स्टोर होता है।
इस फाइल में उनका पासवर्ड स्टोर है, ये इनका इस यूजर अकाउंट का पासवर्ड है। तो जब भी हम किसी यूजर अकाउंट को लॉक करते हैं तब क्या होता है कि इस पासवर्ड के आगे ये कमांड एक्सक्लेमेशन सिंबल या एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड कर देता है, जिससे इस यूजर का अकाउंट का पासवर्ड लॉक हो जाता है। उस वजह से यूजर अकाउंट भी लॉक हो जाता है, ये लॉग इन नहीं कर पाता है। तो अभी देखिए यहां पर कोई भी एक्सक्लेमेशन सिंबल यहां पर ऐड नहीं है। अब इस यूजर अकाउंट को हम लॉक करते हैं, यूजर मोड हाइपन कैपिटल एल राजेश। अब इसकी शेडो फाइल की एंट्री चेक कर लीजिए, तो देखिए यहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड हो चुका है, जबकि यहां पर कोई भी एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड नहीं था। तो जैसे आप लॉक करोगे किसी यूजर अकाउंट को तो उस यूजर अकाउंट के पासवर्ड के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड हो जाता है, जिससे वह यूजर अकाउंट लॉक हो जाता है। अगर यदि फिर से आपको इस यूजर अकाउंट को अनलॉक करना है तो उसके लिए आपको कमांड एग्जीक्यूट करना होगा, यूजर मोड हाइपन कैपिटल यू स्पेस यूजर नेम राजेश। फिर से उस यूजर की इंफॉर्मेशन चेक कर लीजिए, शैडो फाइल की। तो देखिए यहां पर जैसे आपने अनलॉक किया उस यूजर अकाउंट को तो जो एक्सक्लेमेशन मार्क था वो यहां से रिमूव हो गया है। तो इस प्रकार आप यूजर मोड कमांड की सहायता से किसी यूजर अकाउंट को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है टू मूव यूजर अकाउंट होम डायरेक्टरी टू न्यू लोकेशन, यानी किसी यूजर अकाउंट की करंट होम डायरेक्टरी को न्यू लोकेशन पे कैसे मूव करते हैं। पिछले इससे पहले हमने एक एग्जांपल देखा था जिसमें हमने यूजर अकाउंट की होम डायरेक्टरी चेंज की थी। उसमें क्या हो रहा था, यूजर अकाउंट की होम डायरेक्टरी चेंज हुई थी लेकिन उसकी जो पुरान ओल्ड होम डायरेक्टरी थी उसका डेटा उसको नई होम डायरेक्टरी पे मूव नहीं हुआ था। अब हमें क्या करना है कि यूजर अकाउंट की होम डायरेक्टरी तो चेंज होनी ही चाहिए, साथ में उसका जो ओल्ड डेटा है उस होम डायरेक्टरी का वो भी उस न्यू होम डायरेक्टरी में मूव हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको यूजर मोड कमांड के साथ में, यानी पिछला जो हमने कमांड यूज किया था जिसमें हमने हाइपन डी ऑप्शन यूज किया था, उसमें आपको हाइपन एम ऑप्शन और यूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम यूज करके देख लेते हैं। सबसे पहले यूजर की करंट इंफॉर्मेशन लोकल इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं, पास डब्ल्यू डी क्रेप संजीव। इसकी करंट होम डायरेक्टरी स्लैश होम स्लैश संजय। इसका इस होम डायरेक्टरी करंट डेटा चेक कर लेते हैं, एल एस आइकन ए एल ए फॉर हिडन फाइल्स, हिडन फाइल्स को व्यू कर शो करने के लिए। उसके बाद स्लैश होम संजय, ये इस होम डायरेक्टरी का करंट डेटा है। अब हमें इस यूजर अकाउंट की होम डायरेक्टरी मूव करनी स्लैश ईटी स्लैश संजीव। तो इसके लिए आपको स्लैश एटी स्लैश संजय होम डायरेक्टरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे यूजर मोड कमांड तो ये इसको क्रिएट कर देगा। पिछला जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें हमें पहले होम डायरेक्टरी क्रिएट करनी पड़ी, उसके बाद में हमने उसको चेंज किया था। इसमें ऐसा नहीं, इसमें आपको होम डायरेक्टरी पहले से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। कमांड होगा यूजर मोड हाइपन डी स्लैश ईटीसी, जो आप जिस लोकेशन पे आप उस होम डायरेक्टरी को मूव करना चाहते हैं उसका पाथ, उसके बाद हाइपन एम ऑप्शंस और उसके बाद यूजर नेम संजय। तो देखिए होम डायरेक्टरी मूव हो चुकी है। अब उसका कंटेंट चेक कर लीजिए, एल एस हाइपन ए एल स्लैश ईटीसी। सबसे पहले हम यूजर की लॉगिन इंफॉर्मेशन चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसकी न्यू होम डायरेक्टरी स्लैश ईटीसी स्लैश संजय, और इस डायरेक्टरी का हम कंटेंट चेक कर लेते हैं, एल एस हाइपन ए एल स्लैश ईटीसी संजय। तो देखिए यहां पर डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है जबकि हमने पहले इसको क्रिएट नहीं किया था। तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट की होम डायरेक्टरी को आप मूव कर सकते हैं दूसरी लोकेशन पे। नेक्स्ट एग्जांपल है टू क्रिएट अनइनक्रिप्टेड पासवर्ड फॉर एनी यूजर अकाउंट,
यानी कैसे यूजर अकाउंट के लिए अनइनक्रिप्टेड पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। इसके लिए आपको यूजर मोड कमांड के साथ में हाइफन पी ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो कमांड होगा यूजर मोड हाइफन पी यूजर पासवर्ड, जैसे मैं दे रहा हूं रेडेट 7, उसके बाद यूजर नेम, समझिए। उसके बाद जब यूजर सभी यूजर अकाउंट का पासवर्ड /80/ शैडो फाइल में स्टोर होता है, तो चेक कर लीजिए /shadow /80/shadow, उसके बाद पाइप ग्रेप, समझिए। तो देखिए यहाँ पर हमने पासवर्ड सेट किया था इस यूजर के लिए रेडर 7, तो ये क्लियरली यहाँ पे विजिबल है रेडर 7, जबकि जो राजेश यूजर था उसका पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। तो जब भी आपको अनइनक्रिप्टेड पासवर्ड क्रिएट करना हो किसी यूजर अकाउंट के लिए, तो उसके लिए आपको हाइफन पी ऑप्शन यूज करना पड़ेगा यूजर मोड कमांड के साथ में। ये रिकमेंडेड नहीं है, कोई यूज भी नहीं करता है, क्योंकि इसका पासवर्ड क्लियरली विजिबल है, इस यूजर अकाउंट का पासवर्ड रेडर 7 है, जबकि ये पासवर्ड आपको इस पासवर्ड का पता नहीं लगा सकते ये पासवर्ड कौन सा है, इसलिए हाइफन पी ऑप्शन यूज नहीं किया जाता है। ये सिर्फ पर्पज आपको सिर्फ बताने के लिए कि इस ऑप्शन का यूज क्या है, इसके लिए मैंने बताया ये रिकमेंडेड ऑप्शन नहीं है, इसका कोई भी यूज नहीं करता है। टू चेंज द यूजर लॉगिन सेल, किसी यूजर अकाउंट की लॉगिन सेल कैसे चेंज करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है टू चेंज द यूजर लॉगिन सेल। इस यूजर की डिफॉल्ट लॉगिन सेल है /bin/bash, अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको यूजर मोड कमांड के साथ मैं हाइफन एस ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, यूजर मोड हाइफन एस /bin/jsh, ये लॉगिन ये सेल में इसको असाइन करना लॉगिन सेल इसको असाइन करना चाहता हूं, समझे को। देखिए इसकी न्यू लॉगिन सेल है /bin/jsh, तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट की लॉगिन सेल चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हाउ टू चेंज यूजर आईडी ऑफ एनी यूजर अकाउंट यूजिंग द हेल्प ऑफ यूजर मोड कमांड। तो किसी यूजर अकाउंट की लॉगिन यूजर यूआईडी चेंज करने के लिए आपको यूजर मोड कमांड के साथ में हाइफन यू ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, /etc/passwd, समझिए /etc/passwd ग्रेप, समझिए। इस यूजर अकाउंट की करंट यू आई डी है 1002, अब मुझे इसको चेंज करना है, तो इसके लिए आपको यूजर मोड कमांड के साथ में हाइफन यू ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। तो कमांड होगा यूजर मोड हाइफन यू, उसके बाद जो भी यू आई डी आप उस यूजर को असाइन करना चाहते हैं यूजर अकाउंट को, वो आपको टाइप करना है। ध्यान रखिएगा कि जो यू आई डी आप असाइन कर रहे हैं वो पहले से यूज नहीं होनी चाहिए, पहले से किसी दूसरे यूजर को असाइन नहीं होनी चाहिए, अगर पहले से वो UID किसी यूजर को असाइन है तो ये एरर शो करेगा। तो मैं इसको असाइन कर देता हूं 1109 स्पेस यूजर नेम संजय। तो देख लीजिए इस यूजर अकाउंट की न्यू लॉगिन न्यू यूजर आईडी है 1109। तो इस प्रकार आप किसी यूजर अकाउंट की UID आप चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो हमने यूजर मोड कमांड का यूज सीखा कि कैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जिस्टिंग यूजर्स को मॉडिफाई चेंज किया जाता है, उनके एट्रीब्यूट्स को कैसे चेंज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।